ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले। आज के सेरी में पराठा और दही। सो ये ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सो ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं हूं बिलाल, वेलकम बैक टू द चैनल बिलाल खान लाइफ ब्लॉग। वाओ, सो ये। एंड गाइस, मैं आपको एक बात बताता चलूं, जब हम छोटे से थे ना, तो हम बुसरी टुकड़े वगैरह बेच के जो है ना अपने लिए चूजे लाया करते थे। अभी अमाल जो है ना मम्मा के साथ बाजार गया था, सो वहाँ से जो है ना अपने लिए चूजा लेकर आया। मम्मा बता रही है वहाँ बहुत जिद कर रहा था चूजे के लिए। सो आओ मैं आपको चूजा दिखा। ये देखो कैसे मर रहा हूँ, आ गए आ गए आ गए। ये देखो इसके पीछे पीछे भाग रहा है, इसकी हरकत है। ये देखो क्या मुझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी छुलबुली करे जो छक जोरी क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत अब चल जाने दे जो भी बीत ओ जग ताने पे ताने दे उनकी सुने ना देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा और सारे सकते ये माँ जो है ना कितना इसको मांगने के चक्कर में घर पर खुद ही ऐसे ऐसा कर रहा है और खुद ही ऊपर चढ़ रहा है। एंड गाइस, आप इसको देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अकलमंद है, पानी आते के साथ ही पानी के अंदर उतर गया, इसको इतनी प्यास लग रही है। और ये देखो उसको खीरा मार रहा है, ये पागल कहीं का खीरा मार रहा है इसको ये अमान। अमान उसका पानी पी रहे तो अमान पानी पीने दो, देख रहे हैं यार इंसान भी थोड़ा इनसे सीखे किस तरीके से लोग पानी पी रहे और हम लोगों का तरीका आप चेक करे बोले, थोड़ा जानवरों से सीख लें हम लोग। टीचर टीचर जो है ना बच्चे को समझा रही है अमान पानी पीने दो, आप टीचर हो ना पहले खुद तो समझ लो, खुद तो समझ लो, खुद तो समझ लो, खुद तो समझ लो, बच्चे को समझाओगी खुद खुद समझ नहीं रही। रमजान के बाद बोलो ना, नहीं रमजान में करा लो मुन्नी, रमजान में बहुत सवाल है। कौन पढ़ने आएगा? क्यों नहीं आएगा, सब आएंगे पढ़ने, तुम बुला लेना सबको, सही है तुम सबको बुला लेना, मिला कर आएगा। अना मुस्ला को छोड़ो ना, किसी और को बुला लो, मिला नहीं रमजान के बाद। चलो सही है रमजान के बाद, मेरे जो है रमजान के फौरन बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सो मुझे एग्जाम की तैयारी करना भी लाजमी है, क्योंकि मैं रात में तकरीबन आधे से पौना घंटा मैं अपना याद करता हूँ पेपर का, ठीक है, क्योंकि मैं अपना एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाता हूँ। सो पहले अगर मैं ज़्यादा ध्यान दूँ तो मैं अपना एग्ज़ाम पे तैयार अपना सॉरी मैं अपना एग्ज़ाम पे ज़्यादा ध्यान दूँ तो मेरे लिए वो बेहतर है, क्योंकि व्लॉगिंग तो लाइफ टाइम चलती रहेगी जब तक अब मेरा दिल चाहेगा तो जब तक, क्योंकि मेरा को शौक़ है व्लॉगिंग करने का, कोई मेरा वो मकसद नहीं, मुझे शौक़ है व्लॉगिंग का, बाकी और कुछ मसला नहीं, लेकिन सबसे पहले जो मेरा काम है ना वो मेरा काम है एग्ज़ाम की तैयारी करना, मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए व्लॉगिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। सो मैं अभी एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा व्लॉग चल रहा है, सारे घर वाले मेरा व्लॉग देख रहे हैं एलसीडी के ऊपर। रोज़े के बाद तो सो भाई रोज़े के बाद चाय तो हमारे घर पर मस्त बनती है, क्योंकि चाय ना बने ना तो फिर रोज़े का मज़ा नहीं आता है सही तरीके से। सो एक बाइट लेते हैं, मज़ा आ गया। सो भाई घर के अंदर बैठे बैठे हम लोग काफ़ी बोर हो गए थे, सो एनीवे मदर ने अपनी गाड़ी निकाली, मदर को आप देख सकते हैं मदर यहाँ पे ड्राइव कर रहा है। सो हम लोगों ने गाड़ी निकाल के थोड़ा अपना एंजॉय वगैरह करने के लिए आ रहे हैं, ऐसी रोड पे निकले हुए हम लोग। सो एनीवे आगे जाके देखते हैं तो क्या होता है। तो खबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी छुलबुली करे जो